हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका हिंदी टॉपिक है अक्षर श। ये कौन सा अक्षर है? श। ह से हल के बाद आता है छ से क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय, और छ से छ किस में यूज होता है? शिक्षक, शिक्षक, ये छ होता है। ओके, छ से क्षत्रिय एंड शिक्षक में छ का यूज़ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? श। क्या बोलते हैं? श। स्टूडेंट्स, कैसे राइट करते हैं श, और कितनी लाइंस में राइट करते हैं? वर्कबुक में, और कितनी लाइंस में? कॉपी में, और कौन कौन सी लाइंस का यूज़ होता है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मी। मेरे साथ स्टार्ट करेंगे आप लोग। बेटा, मैंने आपको क्या बताया था? स्लीपिंग लाइन किस लाइन पर होती है? यस, सेकेंड लाइन पर होती है। वन टू सेकेंड लाइन पर आप लोग स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे वर्कबुक में। उसके बाद क्या करना है? स्टैंडिंग करना है फोर्थ लाइन तक। कौन सी लाइन तक? फोर्थ लाइन तक। फोर्थ लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, फिर क्या करते हैं देखिए। फिर थर्ड लाइन पर आप लोग पेंसिल रखते हैं स्टैंडिंग लाइन्स से ज्वाइन करते हुए। पेंसिल रखेंगे ऐसे, कर्व लाइन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। कर्व लाइन ऊपर की तरफ लेके जाके टर्न करेंगे, टर्न करेंगे राइट साइड, ऐसे नीचे की तरफ आएंगे कर्व लाइन लेते हुए। राइट साइड कर्व लाइन लेते हुए आएंगे एंड राइट साइड टर्न करेंगे, मीन्स स्लीप स्टैंडिंग लाइन जिधर आपने बनाई होगी उधर की तरफ टर्न करते हुए गोला बनाना है ऐसे, नीचे की तरफ इसको ले आना है टेल को। ये होता है आपका अक्षर श। कौन सा अक्षर होता है? श। ह से हल, श से क्षत्रिय, ह से हल, श से क्षत्रिय। ओके, छ से क्षत्रिय एंड शिक्षक में भी छ का यूज़ होता है। ओके, लुक अगेन, फिर से देखिए आप लोग कैसे राइट करते हैं। वन टू सेकेंड लाइन पर स्लीपिंग लाइन रहेगी आपकी, सेकेंड लाइन पर स्लीपिंग लाइन ऐसे। फिर सेकेंड से फोर्थ लाइन तक ऐसे स्टैंडिंग लाइन रहेगी, स्टैंडिंग लाइन फोर्थ लाइन तक रहेगी। नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे? वन टू थ्री थर्ड लाइन पर स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन करते हुए पेंसिल रखेंगे एंड कर्व लाइन लेते हुए ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, टर्न करना है राइट साइड, ऐसे बैक आना है, गोला बनाना है एंड ये कर्व लाइन आपको राइट साइड बनाते रहना है ऐसे बनाएंगे। ब्लू में टच करते हुए स्टैंडिंग लाइन की तरफ जाते हुए टर्न करेंगे लेफ्ट साइड ऐसे, और ये टेल नीचे की तरफ ऐसे ले आएंगे। ये होता है छ से क्षत्रिय। क्या होता है? छ से क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय। ओके, शिक्षक में होता है, और किस में छ होता है? क्षत्रिय और शिक्षक, और क्या होता है ये आप लोग मम्मा से पूछेंगे। ओके, और एक बार और देख लीजिए कैसे करते हैं। सेकंड लाइन पर आप लोग क्या करेंगे? पेंसिल रख के स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, सेकंड से फोर्थ लाइन तक स्टैंडिंग लाइन एंड थर्ड से ऊपर की तरफ कर्व जाएगा। ओके, टर्न करेंगे ऐसे गोला बनाते हुए। कौन सी लाइन? कौन सी लाइन है? कर्व लाइन बनाते हुए स्टैंडिंग लाइन की तरफ आएंगे, टर्न करते हुए नीचे की तरफ ऐसे खींचेंगे। ये क्या होता है? छ से क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय। ओके, जितने भी छ से क्षत्रिय यहाँ पर ट्रेस करने के लिए हैं वो आप ट्रेस करेंगे एंड नीचे की तरफ जो भी आपको राइट करना है जहाँ पर राइट करने के लिए स्पेस है वो राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे देख लीजिए। सेकंड लाइन पर आप लोग पेंसिल रखेंगे, सेकंड से फोर्थ लाइन तक स्टैंडिंग लाइन लेकर आएंगे, थर्ड लाइन पर पेंसिल रखेंगे स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, टर्न करना है राइट साइड, फिर कर्व लाइन लेते हुए आना है, स्टैंडिंग लाइन की तरफ जाते हुए ऐसे टर्न कर देना है नीचे की तरफ ऐसे। ये आपका हो जाएगा छ से
क्षत्रिय, ये आप लोग वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे नोटबुक में कैसे राइट करते हैं। स्टूडेंट्स, नोटबुक में ये श आपका राइट है, एक लेफ्ट साइड एक सेंटर में, एक राइट साइड राइट करते हैं, देन उसी के नीचे नीचे हम लोग राइट करते हुए चलते हैं ना, चलते हैं ना। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। वन लाइन हमने लेफ्ट किया, स्लीपिंग लाइन ऐसे नीचे की तरफ, स्टैंडिंग लाइन ऐसे बीच में पेंसिल रखेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइंस तो है नहीं, ऐसे आपको बनाना है कि ये आपको पूरी लाइंस में आ जाए, आउट ऑफ लाइन नहीं होना चाहिए। यहाँ पेंसिल रखेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, टर्न करेंगे, सर्कल बनाएंगे, कर्व लाइन बनाते हुए लाइन की तरफ टर्न करेंगे एंड ऐसे ये आप लोग क्या बनाएंगे, श से क्षत्रिय। नेक्स्ट कैसे करेंगे देख लीजिए, ऐसे किया, स्टैंडिंग लाइन सॉरी स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, बीच में पेंसिल रखा, ऊपर की तरफ गए, ऐसे जा पाएंगे ना, ऐसे टर्न किया राइट साइड, ऐसे लाते हुए गोला बनाया, फिर कर्व लाइन बनाते हुए स्टैंडिंग लाइन की तरफ करते हुए ऐसे ऐसे बना दिया, ये क्या होता है, श से क्षत्रिय। यहाँ पे पॉइंट रखा है, हम लोग क्यों रख रहे हैं, लाइन लेफ्ट करने के लिए, जब भी हमको लाइन लेफ्ट करनी होती है तो हम ऐसे रखते हैं। फिर हमने क्या किया, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे मतलब स्लिपिंग लाइन, ऐसे मतलब स्टैंडिंग लाइन, ऊपर की तरफ गए, देख लीजिए हाफ हाफ करके, देखिए ऐसे जाएंगे, टर्न करेंगे, ऐसे कर पाएंगे ना, इतना इतना करने के बाद फिर क्या करते हैं, ऐसे लाते हैं, देखिए ऐसे कर पाएंगे, फिर इसको ऐसे टर्न करेंगे, गोला ऐसे बना देंगे और इसको गोले को नीचे ले आएंगे, ये आपका हो जाता है श से क्षत्रिय। लुक अगेन, फिर से देखिए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऐसे जाइए ऊपर की तरफ, इतना बनाइए पहले, बन गया, उसी लाइन को लेते हुए नीचे की तरफ आइए, ऐसे लाइन की तरफ टर्न करिए और ये ऐसे घुमा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, श से क्षत्रिय। आप लोग इस तरीके से इसको अच्छे से राइट करेंगे एंड नीचे तक राइट करते रहेंगे। एक चीज़ और, ऊपर जो स्लीपिंग लाइन होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, उसको आपको बनाना कंपलसरी है, अंडरस्टैंड। अगर स्लीपिंग लाइन नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, ऐसे किया, ये कौन सी लाइन है, स्लीपिंग, स्लीपिंग से टच करते हुए स्टैंडिंग लाइन तक ऐसे, फिर बीच में पेंसिल रखा, ऊपर की तरफ गए, टर्न किया, गोला बनाया, नीचे की तरफ चलते हुए चले आए, लाइन की तरफ टर्न किया, ऐसे आए और ये ऐसे स्ट्रेट बना दी, ये क्या हो जाएगा, श से क्षत्रिय। ऐसे ही आप लोग वर्क करते रहेंगे, नीचे तक सारा वर्क कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये बहुत ईजी नहीं है। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस की नहीं करेंगे, आप लोग इसको राइट नहीं कर पाएंगे, क्लियर। अच्छे से इसको एटलीस्ट 10 टाइम प्रैक्टिस करनी है, मींस 10 पेज में, 10 पेज में इसको प्रैक्टिस करना है। एंड ये ध्यान रखना है कि मैम किधर से टर्न करती हैं, ओके, टर्निंग पॉइंट्स आपको सारे ध्यान रखने हैं और अच्छे से इसको राइट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।